हेलो गुड इवनिंग गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज ही की शाम और दीवा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर ईपीएफओ सेट नंबर नाइन प्रैक्टिस बैच में तो आपको बताया कि जैसे कि एग्ज़ाम के सिर्फ आपके रह गए हैं पैंतीस से चालीस दिन और ये पैंतीस से चालीस दिन अंतिम टाइम के बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि दिमाग में बड़ा हौच पौच होता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें वैसे तो हमने आपको कल बता दिया था क्या करना है क्या क्या नहीं करना है लेकिन फिर भी क्या क्या करना है उसके लिए हम यहाँ पर हैं और इसके अलावा जो नहीं है वो आपको कुछ भी नहीं करना अमनदीप कौर जी गुड इवनिंग स्वागत है जी आपका एक बार फिर से प्रशांत मिश्रा रोहित बंडवाल सर मेरा एक क्वेश्चन है हाउ डू मैने सिक्स आर्स आई एम इन जॉब प्लीज रिप्लाई मी सर ठीक है इसके लिए अलग से मैं आपको मतलब बता दूंगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना या नीचे दिए गए नंबर पे ये जो लाइन पे आपको लिखा हुआ आ रहा है बैंड में आप इस पर अपना व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर देना समझा देंगे बेटे राजू यस गुड इवनिंग राजेश जी नमस्कार सविता नायक नमस्कार तो आ जाइए ये सिर्फ क्लासेस सिर्फ ये नहीं कि ई वालों के लिए ही बेनिफिशियल हैं बल्कि जो भी आप जी एस के किसी भी पेपर को टारगेट कर रहे हैं वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि पॉलिटिक के भी क्वेश्चन है हिस्ट्री के भी हैं इको के भी हैं सोशल सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के भी हैं करंट अफेयर है इसमें और आपको बहुत कुछ जैसे लेबर लॉ है जनरल अकाउंटिंग है सोशल सिक्योरिटी है हालांकि देखो जनरल अकाउंटिंग मुझे नहीं आती काफ़ी है बेटा राजेश जी ठीक है लेकिन जो मैम जो क्वेश्चन भेज देती हैं उनके आंसर लगा के मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ बाकी इन सभी क्वेश्चन की मैम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन भी करेंगी क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन वगैरह की वजह से यहाँ पे अभी थोड़ा इतना हलचल नहीं है और मैम थोड़ा बाहर नहीं आना चाहती वेरी गुड अमनदी बहुत अच्छी बात है हाउ मनी क्वेश्चन सर अरे बेटे बहुत सारे क्वेश्चन है पता नहीं कितने हैं लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन भी करूँ थोड़ा बहुत और आपको ये क्वेश्चन कराते वे वे द्विवेदी जी नमस्कार तो चलिए मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न यानी कि पहला सवाल जो कि आया नहीं चलिए द रूट ऑफ द एटीन फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट ले इन अठारह सो सत्तावन के विद्रोह की चढ़े निहित हैं बताओ किस कारण अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह हुआ बैलेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी शोषक भूमि राजस्व नीति द पॉलिसी ऑफ ग्रीज कार्डेजेस ग्रीस यानी के चर्बी वाले कारतूसों की नीति के कारण डी ऑल ऑफ दी अब उपरोक्त सभी सभी के सारे के सारे क्या आंसर लगेगा आपको इसमें मुझे प्यार के अंदाज से ये बताना है कि अठारह का विद्रोह क्यों हुआ तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके इसमें शामिल किए गए हैं शुमार किए गए हैं ई प्रैक्टिस एम या प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्ले बनी हुई है आपको ये सब उसी में बेटे फॉलो करना है ठीक बिल्कुल फॉलो करना भूलना नहीं है जी करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगा देखो करंट अफेयर तो वैसे हर डेली सुबह छह बजे आपका वीडियो एक आता ही है थ्योरी में लेकिन करंट अफेयर का रिवीजन मंथली एमसीक्यू आपका स्टार्ट होने वाला है कल से शाम को सात बजे सेवन पीएम जो ऋषि सर के द्वारा आपको रिवीजन कराया जाएगा करंट अफेयर के एम फॉर्मेट में ठीक है देखिए बिल्कुल सही बात है अंग्रेजों की नीति भेदभाव वाली थी इज अ वेरी करेक्ट आंसर लगान में वो हमारा शोषण करते थे किसी भी एरिया में कितना भी कर लगा देना लगान लगा देना ग्रीज्ड काटेजेस की पॉलिसी तो इमीडिएट कॉस्ट थी लिख लेना तात्कालिक कारण थी इमीडिएट कॉस्ट तात्कालिक कारण यानी कि जिसकी वजह से सीने में जो थी वो बन गई आग सर ईपीएफ वो सिलेबस में दिए गए टॉपिक से बाहर क्वेश्चन देता है दो चार क्वेश्चन को अगर हम राजीव जी छोड़ दें तो बिल्कुल नहीं देता है नहीं बेटे हमारे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है बल्कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट ले ले सकते हैं जिसमें आपको साइंस मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के मतलब क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे ठीक है हाँ जी और इको के मिल जाएंगे ऐसा आपको एक आ, दो से ढाई हजार क्वेश्चन का से बेटे सेट हमारे यहाँ मिल जाएगा बाकी इन सबके लिए आपको बेटे यही करना पड़ता है बहरामपुर नहीं बैरकपुर बेटे थे बैरकपुर से इस क्रांति की शुरुआत हुई 1857, 29 मार्च ये डेट याद कर लो डेट आपसे पूछी जाती है 29 मार्च 1857, 29 मार्च अठारह को बैरकपुर रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज एनफील्ड राइफल्स ठीक है तो अंग्रेज़ लोग एनफील्ड राइफ़ल लेकर आए थे इन राइफ़लों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया गया क्योंकि इनमें गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस यानी काटेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा था ग्रीस्ड काटेजेज ऑफ द एंड काव ठीक है और ये एनफील्ड राइफ़ल कब आई थी 1856 में आई थी 1856 में आया था इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना और मंगल पांडे ने दो इंग्लिश ऑफिसर्स को दो अंग्रेज़ अधिकारियों को बेटे मार दिया था क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे कहाँ से संबंध रखता था तो मंगल पांडे जो सिपाही थे वो बैरकपुर की थर्टी फोर्थ बटालियन लेकिन चौंतीसवीं बटालियन बैरकपुर रेजिमेंट से मंगल पांडे जी का संबंध था इस छोटी सी बात को आपको याद करने में कोई शख्स हुआ संदेह होना नहीं चाहिए फिर भी आपसे पूछा जाए कि अठारह तो के विद्रोह की एक्चुअल डेट इनिशियल डेट क्या है जब से इसकी शुरुआत मानी जाती है तो टेंथ मे 1857 लिख लो 10 मई अठारह सो सत्तावन इज द एक्चुअल डेट ऑन विच रिवॉल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन ऑफिशियली लॉन्च यानी कि अठारह सो सत्रह सत्तावन के, के विद्रोह की शुरुआत की गई ठीक है चलिए रिवॉल्टीन फिफ्टी सेवन स्टार्ट अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था सिपाही सिपाहियों के जमीदार, के द्वारा प्लांटेशन वर्कर्स बागान मजदूरों के द्वारा अठारह सो सत्तावन का विद्रोह किसने शुरू किया किसने शुरू किया सर मेरे बर्थडे के अगले दिन हुआ है अच्छा यानी कि आपका इलेवंथ मे को आता कोई बात नहीं बेटा इलेवेंथ मे को रेजिमेंट बेटे पहुंची थी दिल्ली क्योंकि वैसे इस विद्रोह की ऑफिशियल शुरुआत मेरठ रेजिमेंट ने की थी ऑन टेंथ में एटीन फिफ्टी सेवन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है नीरज कुमार जी बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है इसकी शुरुआत सिपॉय सिपाहियों के द्वारा की गई पहले कलकत्ता वेस्ट बंगाल बैरकपुर रेजिमेंट और एक्चुअल में इसकी शुरुआत की है लिख लो मेरठ रेजिमेंट ने मेरठ रेजिमेंट यूपी और मेरठ रेजिमेंट रिचड दिल्ली ऑन इलेवेंथ में एटीन फिफ्टी सेवन मेरठ रेजिमेंट दिल्ली 11 मई अठारह को पहुंची थी 11 मई अठारह को पहुंची थी गोविंद सिंह राव वेरी गुड बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है चलिए डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री द नाइनटीन सेंचुरी वॉज एट्रीब्यूटेड टू 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था ए कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धापियर ऑफ इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स ओनली केवल भारतीय रियासतों का गायब होना ऑफ एलियन रूल ओनली केवल विदेशी शासन की स्थापना और डी ऑल ऑफ सारे के सारे देखो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करना है यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन या सवाल आए तो आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए बोलो हाँ है भाई? यार आंसर लगा लो डी ऑल ऑफ दी अब ठीक है यानी कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश अगर हम लोग बात करें उन्नीसवीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था मशीनें आ गई थी तो अगर हम बात करें भाई नई नई मशीनें आ गए थे उपकरण आ गए थे तो हाथों से अगर आप कुछ इंडस्ट्री का आइटम बनाओगे तो उसकी रफ्तार बेटे स्लो रहेगी और अगर मशीनों से बनेगा तो ज्यादा रह, ज्यादा रहेगी और जाहिर सी बात है कि भाई भारत के जो रजवाड़े जो होते थे प्रिंसली स्टेट्स जो मतलब होते थे उनका भी रोल धीरे धीरे कम हो गया था वो भी अंग्रेजों के इशारे पर चला करते थे और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल यानी कि बाहर के लोगों ने आके शासन कर लिया था चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो हों डच चाहे वो हों इंग्लिश चाहे वो हो कोई भी तो आंसर लगेगा सारा का सारा हु अटेंडेड वेरी प्यारा क्वेश्चन वेरी प्यारा वेरी प्यारा पांच स्टार वाला है हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ एटीन सेवन ड्रास ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी अठारह सौ सतहत्तर के इंपीरियल दरबार में हाथ काते खादी में कौन शामिल हुआ था यानी खादी पहन के हैंड स्पन बिटेट डालकर कौन किसने हिस्सा लिया था दिल्ली दरबार जो एटीन में हुआ आ, एम के जोशी या सॉरी माय माय मिस्टर एम के गांधी महात्मा गांधी बाल गंगा तिलक विपिन चंद्रपाल या जीवी जोशी हैंड स्पन विद हैंड स्पन ऐसे नहीं डाल लेते हाथ पे वेरी गुड आंसर लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी और बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लगाओ जब एग्जाम में आएगा तो आप ही जैसे कुछ बच्चों का ठीक हो पाएगा गणेश वासुदेव जोशी बिल्कुल सही बात है जी जीवी जोशी अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनर आपसे चाहे स्टेट पीसीएस सी आप टारगेट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहें कल सुबह तक आ जाएगी या अगर क्लास के बाद चाहिए तो दीवागढ़ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले वहाँ आपको ये पी मिलेगी अगर हम लोग इम्पीरियल दरबार की बात करें दिल्ली दरबार की मतलब बात करें तो देखो दरबार नामक ये जो शब्द है ये मुगलों से लिया गया है यानी कि मुगलों का जो कोर्ट होता था मुग़लों का जो दरबार होता था शाही जो राजा इंतजाम करता था बैठता था वो दिल्ली में हुआ कोरोनेशन पार्क में इसीलिए बड़े दिल्ली दरबार इसका नाम पड़ा दिल्ली दरबार भारत के इतिहास में तीन बार हुआ है ये आप ऑर्डर याद कर लें एटीन सबसे पहली बार नाइनटीन जीरो टाइम और 1911 थर्ड टाइम जो सबसे फेमस सबसे मशहूर है क्योंकि 1911 दिल्ली दरबार जो ऑर्गेनाइज हुआ कलकत्ता सेशन ऑफ दी कांग्रेस यहीं पर ही इंडिया की कैपिटल की ट्रांसफर का डेक्लेन यानी कि भारत की राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कलकत्ता से दिल्ली के लिए की गई थी ये तो यह आपको याद रखना है नाइनटीन तो एटीन सेवनटी और नाइनटीन ठीक है ये बार होते थे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज है और हम उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं इसलिए ये होते थे 1911 में जॉर्ज फिफ्थ जॉर्ज पंचम चीफ गेस्ट थे मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे ठीक है इन्होंने इंडिया के डिक्लेरेशन की घोषणा की थी इधर से उधर कि हमें भारत की राजधानी इधर से उधर की जाएगी अगर हम लोग बात करें इसमें आप देखिए जीवी जोशी जी ने हिस्सा लिया था होम्स स्पन स्पॉटलेस विट खादी ठीक है तो यानी सफेद खादी है भाई पहनकर मतलब कहे थे ठीक एक और बात यहाँ पर समझना इस 1877 वाला ये जो इम्पीरियल दरबार जो मतलब हुआ था अगर हम बात करें दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था इसका विरोध हुआ था यानी कि इसको इसकी आलोचना की गई थी ये बड़े विवादों में रहा था क्योंकि उस समय फेमाइन यानी महामारी बेटे हिंदुस्तान में फैली हुई थी एटीन सेवनटी सेवेंटी तो ये भी एक क्वेश्चन आप साथ साथ में याद कर लेना कि क्यों इसका मतलब विरोध हुआ था तो ये इसका था मुख्यतः कारण ठीक है अच्छा नाइनटीन इलेवन आपको और एक बात में ध्यान रखना होगा जब किंग जब, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ जब यहां आए तो so, 1911, 1911 में 1905 में जो बंगाल डिवीज़न बंगाल विभाजन जो हुआ था इन्होंने उसे रिपील्ड यानी कि रद्द कर दिया था तो लिख लेना बंगाल डिवीज़न वाज रिपील्ड इन 1911 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था बट दिल्ली बिकेम द इंडियन कैपिटल इन दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में हुई थी और किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में ही पहली बार हमारा राष्ट्रगान मन गाया गया जिसके के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे तो इतनी छोटी छोटी सी बातें अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए है ना चलिए अच्छा एक और मेरे को क्वेश्चन याद आ गया कि जब 1877 में जब ये इंपीरियल दरबार यानी दिल्ली दरबार जब लगा तो उस समय ब्रिटेन की क्वीन यानी महारानी कौन थी तो विक्टोरिया क्वीन महारानी कौन थी विक्टोरिया 1857 फिफ्टी के दौरान अठारह विद्रोह के दौरान भी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही थी तो किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना है देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यूपीएससी यानी कि एक अच्छे अच्छे लेवल के

प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग संविधान का अनुच्छेद तीन सौ उनसठ भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है किस दौरान ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता फाइनेंशियल इमरजेंसी एक वित्तीय आपातकाल नन ऑफ उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं वेरी गुड क्या आंसर लगेगा यह आपको बताना वैसे अगर फंडामेंटल राइट right का आपका उल्लंघन हो तो आपको मतलब बताओ अंडर आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुच्छेद बत्तीस के तहत एनी पर्सन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति देश में सीधे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है ठीक है लेकिन वो कौन सा आर्टिकल है कि अगर चलिए आंसर लगाइए इसका लगेगा ए नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आपके सस्पेंड यानी के रद्द नहीं होते लिख लो अनुच्छेद 20 और 21 कभी आपके समाप्त नहीं, नहीं होते इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है उन्हें रद्द कर दिया जाता है और आर्टिकल 359 में ये लिखा हुआ है याद रखना अनुच्छेद तीन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता मेनली सुप्रीम कोर्ट की बात है तो हाई कोर्ट उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है थ्री फिफ्टी टू है और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट ये जो बी ऑप्शन है इसका मतलब होता है लिख लो स्टेट इमरजेंसी इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है इसे स्टेट इमरजेंसी इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है यह इसका दूसरा मतलब नाम है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट यानी कि राज्य में जब संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाए लाइक और वॉचिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बहुत ना इंसाफी है बेटे ऐसा मत करो इसे हम प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं और इसके लिए आर्टिकल थ्री 356 अनुच्छेद 356 के तहत ऑन दी ऑफ दी स्टेट गवर्नर राज्य के राज्यपाल की सलाह पर प्रेसिडेंट में इम्पोज और मे प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी इन स्टेट यानी कि भाई राज्य में राज्य आपातकाल लगा सकता है तो राज्य आपातकाल तभी लगाया जा सकता है अगर आपसे रीजन पूछा जाए आधार पूछा जाएगा कि किस आधार पर राज्य में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो लिख लो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था असफल हो जाए चरमरा जाए इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है या राज्य में कुछ भी काम संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा अपनी मनमानी चल रही है ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बेटे हम लोग मतलब बात करें तो आर्टिकल 360 है तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल कब लागू किया जा सकता है सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन योर वर्कआउट एंड डाइट मीन्स वट डू यू डू कीप योर फिट चले इसके ऊपर भी बेटे भी फनाऊंगा मैं वैसे बहुत अच्छा लगा आप लोग इस चीज़ को मतलब नोटिस करते हो वैसे हेल्थ इज वेल्थ अगर आपका हेल्थ है तो आपका मतलब मान के चलो कि आपका हर काम में लगता है बेटा मन देखो थ्री के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय का लगता है इसका आधार एक ही है वैन देयर इज अ चांस ऑफ वैन देयर इज अ चांस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन अ नेशन लिख लो जब राष्ट्र या देश में वित्तीय आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाए वित्तीय सर एक क्वेश्चन आ रहा था आ रहे हैं सोरिटर कौन से आर्टिकल में बेटा मैं समझा नहीं आपका राजेश जी के क्या आप मतलब पूछना चाह रहे हैं एक मतलब अगर देश में ऐसा लग रहा है पैसे का संकट आने वाला है वित्तीय आपदा आने मतलब वाली है इसमें क्या होता है कि भाई अगर ये ये लग जाती है तो गवर्नमेंट सैलरी जो कर्मचारी होते हैं उनकी कम हो जाती है या आदि मतलब हो जाती है कल्याणकारी कार्य थोड़े समय के लिए रोक दिए जाते हैं लेकिन अभी तक देश में लिख लेना इन इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ नेवर इम्पोज इन इंडिया भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है यानी देश के अंदर अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है नहीं लगी है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना नेशनल इमरजेंसी लगने के तीन आधार होते हैं लिख लेना तीन ग्राउंड है इन तीन आधार पर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है वैन देयर इज अ एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी आक्रमण हो जाए यानी अचानक हम तैयार नहीं और अचानक हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए वॉर हो जाए यानी कि भाई युद्ध घोषित हो जाए और आपको बताया कि इंडिया में प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द वॉर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है ठीक टफ कंपटीशन है पांच लाख में होगा भाई कोई अच्छा पचास हजार अच्छा पचास हजार पचास हजार में होगा कोई बात नहीं परेशान नहीं होते कंपटीशन से कभी नहीं घबराते असली योद्धा असली बेटे प्लेयर जो होते हैं वो कंपटीशन में और निखर जाते हैं ठीक है हाँ दूसरा और आखिरी जो बेटे आधार है दैट इज़ दी आर्म डिबेलियन सैन्य विद्रोह ये तीन आधार हैं देश में अगर मैं आपसे मतलब बात करूं, देश में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के ठीक है चलिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बाकी जब क्वेश्चन आएगा उसके बारे में और बताएंगे चलिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपने एग्जाम में हंड्रेड परसेंट का होगा बता दीजिए एक कौन कौन सी स्टेट कब कब बनी इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मतलब बताना है ऑप्शन आपके सामने कौन कौन सा राज्य कब बना है भारत में इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस और ईपीएफ वाले तो बच्चे बिल्कुल अच्छे से कर लें क्योंकि आपसे अगर पॉलिटी सिलेबस में लिखा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ भी पूछा जा सकता है इको से कुछ भी पूछा जा सकता है सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है तो अपने आप को नब्बे प्लस कम से कम नाइनटी प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट के लिए तैयार रखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईपीएफ वाले बच्चों बता दो दिया बेटा नाइनटी प्लस क्वेश्चन अटेंप्ट करने हैं और उसमें से लगभग दो चार को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर श्योरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना मैं मैं भी अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले पहले फसल बो तब बेटे फसल काटेंगे 60 परसेंट मार्क्स आपके इनफ है लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 65 फाइव टू सेवेंटी परसेंट का रहना चाहिए कि आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हमारे कम से कम 65 टू तो 70 परसेंट मार्क्स आ जाए नंबर सी आपका मेजोरिटी में लेकिन कुछ बच्चे डी के साथ भी है। देखते हैं ये कौन कौन से योद्धा बिल्कुल ठीक है तो आइए हरियाणा हरियाणा आपका बना नाइनटीन सिक्सटी में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिक्किम आपका मतलब राज्य बना नाइनटीन सेवनटी में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना 1987 1987 में नागालैंड आपका मतलब राज्य बना 1963 1963 में तो क्या आंसर लगेगा हरियाणा नागालैंड सिक्किम अरुणाचल तो हरियाणा नागालैंड सॉरी पहले नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल तो नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल डी लगेगा जिस ऑप्शन के साथ बहुत कम बच्चे गए डी लगेगा सर आपका पेड कोर्स कितने का है किस एग्जाम के लिए राहुल कुमार जी हाँ जी क्या लगेगा डी लगेगा डी कहां बेटे सी कैसे दे दिया बेटे सर आप इकोनॉमिक्स भी प्रिपेयर कराने वाले हैं क्या ईपीएफओ पी का? राजी इकोनॉमिक्स के लिए नाइन पीएम 9 नौ बजे का टाइम है बेटा चाहे आप आई की तैयारी कर रहे हो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या ई को टारगेट कर रहे हो उन सभी पेड अनपेड वाले बच्चों के लिए सभी के लिए 9 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर होती है आज भी हुई है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमी एमसीक्यू के नाम से ठीक है भाई तो डी होगा सी नहीं होगा वेरी गुड कुछ ही good, बच्चे सिर्फ ठीक है ई का कोर्स देखो बेटे राहुल कुमार जी हमने कल ही बेटे सेशन लिया तो हमने मतलब बताया फुल कोर्स आपको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखो तो को फुल कोर्स आप इतने टाइम में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैं चाहूँगा कि आप सेक्शन वाइज लें ठीक है वो आपको सारी जानकारी यहाँ पे बेटे नंबर देकर मतलब मिल जाएगी पहले एक सेक्शन की आप फ़ी पे करें जब वो पूरा हो जाए उसके बाद लें हम नहीं मतलब चाहते कि खामा खा आपसे बेटे पैसा ले लिया जाए और आपका बेटे समय पर सिलेबस पूरा ना हो ठीक है चलिए अच्छा देखिए अब यहां पर समझने वाली बात क्या है हरियाणा राज्य अलग हुआ पंजाब से यानी हरियाणा पंजाब से अलग हुआ कोई बात नहीं रॉन्ग हो गया तो इट्स ओके सिक्किम अपने आप में पहले से अलग था जो भारत में शामिल हो गया याद रखना सिक्किम बिकेम दी फर्स्ट प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया लिख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्किम भारत का पहला संघ संघरक्षण प्राप्त राज्य बना या संघरक्षित राज्य बना लिखे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम में सिक्किम द फर्स्ट प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम भारत का पहला संघरक्षित या संरक्षण प्राप्त राज्य बना संघरक्षित या संरक्षण प्राप्त राज्य बना देखो सिक्किम 1974 में 1900 Uh, चौतीस चौहत्तर में सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य बना फर्स्ट अब देखो तो प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में आप जरा समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी यानी कि इसकी सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है यानी कि डिफेंस सुरक्षा के सिक्किम के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो समझ लो बाहुबली की तलवार को छू लिया यानी हिंदुस्तान की तलवार को छू लिया तो फुल फ्लेज स्टेट नहीं था तो ध्यान रखना एक बात अगर हम सिक्किम की बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि एग्जाम में किसी भी मामले को लेकर आपको बेटे कंफ्यूजन ना रहे अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दो अनुच्छेद हुए हैं ठीक है एक तो बेटे हुआ है थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल समझ लेना आप नाइनटीन सेवेंटी फोर पैंतीसवा संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ चौहत्तर के तहत सिक्किम बिकेम दी प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम भारत का संरक्षण प्राप्त राज्य राज्य बना बट बाय थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट छत्तीसवां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 1975 के तहत सिक्किम बिकेम फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना है ये दोनों बातें अलग हैं तो जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए का आंसर मार दोगे? बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत सर तो आपको बस हरियाणा का पता था अच्छा मुझे सिर्फ हरियाणा का पता था सही है भाई वेरी गुड अगर उससे भी हो जाए तब भी सही है बेटा ठीक है अब यार बेटे फॉलो कर समझ जाएगी सर के टैलेंट को चिंता मत कर बेटा अच्छी चीजें थोड़ी देर में समझ में आती है उसकी इंपॉर्टेंस भी बेटे बाद में समझ में आएगी अभी बेटे आप नए नए आए इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई के ऊपर बेटे ध्यान दें ठीक है स्क्रीन ले लिया चलो अगर हम बात करें नागालैंड तो नागालैंड अलग हुआ आपका लिख लीजिए असम से नागालैंड असम से हटाकर एक नया राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश पहले जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन था उसे नेफा कहते थे तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा क्षेत्र में एक नया राज्य बना दिया गया यह हम लिख सकते हैं कि अरुणाचल का ओल्ड नेम नेफा नेफा की फुल फॉर्म आती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र नोट बनाकर एक पॉइंट लिख लेना नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट रीजन इन इंडिया नागालैंड भारत में ऐसा पहला क्षेत्र हुआ विच डिमांडेड अ सेपरेट नेशन जिसके द्वारा अलग देश की मांग की गई इन 1956 ये क्वेश्चन भी ये बेटे पॉइंट भी याद रखना आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा शक की कोई बात नहीं है तो उन्नीस में नागालैंड ऐसा पहला क्षेत्र या पहला राज्य हुआ जिसके द्वारा अलग देश की मांग की गई कि हमें अलग देश चाहिए टू सप्रेस दिस डिमांड इस मांग को दबाने के लिए देखो हर बातें आपस में इंटर कनेक्टेड है टू सप्रेस दिस डिमांड इस मांग को दबाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पासड अफसपा भारत अफसपा को लेकर आया भारत सरकार लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट देखो जैसा एग्जाम वैसा ही बेटे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट विशेष यानी के ठीक है सैन्य शक्ति सॉरी सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम अफसपा कब आया 1958 में उन्नीस में यानी आर्मी को आर्म्ड फोर्सेस को जो हमारे यहाँ होते थे सैन्य बल उनको बेटे के स्पेशल पावर दे दी गई एक विशेष शक्ति प्रदान कर दी गई ठीक अब अफसपा में क्या होता है आप सिंपली ये समझ लो कि आर्मी को राइट टू इंटेरोगेशन यानी पूछताछ के लिए एक विशेष पावर दे दी जाती है कि आप किसी को भी उठाओ किसी को भी आप मतलब पूछ लो और राइट टू एनकाउंटर या राइट टू डू एनकाउंटर आप भाई एनकाउंटर भी कर सकते हैं ठीक समझ में आया हाँ तो ये वाली बात बेटे आप ध्यान मतलब रखना ठीक अच्छा अगर यहीं पर हम लोग बात करें देखो याद रखना इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस रीजन में जिस क्षेत्र में अफसपा लगा हुआ है इसका मतलब क्या है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे तो लिख लो बेटे डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसे कहते हैं डिस्टर्बड एरिया तो अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में अफसपा लगा हुआ है तो दैट रीजन इज कंसिडर्ड एज द डिस्टर्ब एरिया हा मणिपुर में है अफसपा जे एंड के में अफस्पा है ठीक है ना आपका असम के कुछ आंशिक क्षेत्र में है अरुणाचल प्रदेश में अफसपा है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हुआ ये बता दो द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक दिस फिनोमिन इज नोन एज लोकसभा का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है इसका मतलब क्या है इसे क्या कहा जाता है यानी अगर लोकसभा का स्पीकर यह कहता है अगर कोई मेंबर पहले से बोल रहा है, भाई आप शांत हो जाओ यस आप बोलिए इसको क्या कहते हैं पॉलिटी की भाषा में संविधान की भाषा में क्रॉसिंग द फ्लोर यानी कि फर्श को क्रॉस करना पार करना हिल्डिंग द फ्लोर फर्श को पार करना ठीक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ठीक है या फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन इसे अगर आप बेटे इंग्लिश में समझे तो बेटे बेटर है वेरी गुड आंसर इसका बेटे लगेगा ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी ईल्डिंग द फ्लोर लिख लो ईल्डिंग द फ्लोर ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर कुछ बच्चे कंफ्यूज ए बी डी सी में ईल्डिंग द फ्लोर ठीक है अब आप जरा देखना देखो हिल्डिंग द फ्लोर का मतलब आप लोग मैं चारों का मतलब आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको अपनी लाइफ में इनको लेकर कोई दिक्कत ना आए Yielding the floor का मतलब है द स्पीकर ऑफ दी लोकसभा में रोकता है नोट कर लेना यही क्वेश्चन आगे पीछे घुमा फिरा के यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पॉलिटी में आपसे आता आता रहता है क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है पासिंग बिटवीन द मेम्बर एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर विच इज कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री एडिकेड ठीक है यानी पासिंग बिटवीन द मेंबर एड्रेसिंग द हाउस यानी जो भी मेंबर हाउस को एड्रेस कर रहे होते हैं उनके बीच में मतलब बोलने के लिए कहता है कि आप बोलिए एंड चेयर विच इज़ कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री एडिकेड ठीक है advocate, और उनको मतलब बढ़ावा देता है वो कि जो कि पार्लियामेंट के, के हिसाब से काम कर रहे हैं कि साबाश आप लोग बहुत ही अच्छे मेंबर हैं और आपको बोलने का पहला अधिकार दिया जाएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लोग समझिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ़ ही फील्स दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउ टू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स यानी कि अगर कोई भी एम कोई भी सांसद लोकसभा में या फिर राज्यसभा में उसको ऐसा मतलब लगता है कि कोई भी आ, नियमों के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है यानी yani कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड वेदर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस्ड बाई दबर शुड भी अलाउड तो वो किसी मेंबर के ऊपर आरोप लगा सकता है कि देखिए ये हाउस में बदतमीजी कर रहे हैं ये अपने हिसाब से मतलब कार्य वगैरह नहीं कर रहे हैं हाँ लेकिन इसका फैसला जो भी हाउस का हेड है यानी लोकसभा का जो स्पीकर है वही बेटे तय करेगा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं यानी कि ये जो पॉइंट कर रहे हैं जिस इंसान की ओर वो वाकई में पॉइंट ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे यानी वाजिब है या फिर गैर वाजिब है कॉलिंग अटेंशन मोशन बहुत ही सिंपल होता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में कॉल द अटेंशन ऑफ अस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कि स्पीकर की परमिशन के साथ कोई भी हाउस का मेंबर सांसद एमपी ठीक है जो मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस जनहित से संबंधित है हित में है उसके उसी मामले के मंत्री को सवाल जवाब पूछने के लिए सदन में मतलब उनसे परमिशन ले सकते हैं कि हम इनसे हम इनसे चा, इन चाहते हैं कि ये इस वाले मैटर के ऊपर भी थोड़ा जोड़ दें द मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द मैटर और ही मे आस्क फॉर अ टाइम टू मेक अ स्टेटमेंट लेटर और अगर स्पीकर ये बोल दे ठीक है आप इस मामले में उस मतलब मंत्री से कोई भी सवाल कर सकते हैं तो अगर मंत्री चाहे तो उसका छोटे से छोटा जवाब भी दे सकता है या फिर उसका सही जवाब देने के लिए वो थोड़ा टाइम भी मतलब ले सकता है ठीक है उसकी परमिशन भी स्पीकर के द्वारा दी जाएगी तो इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका सही हो जाना चाहिए चलिए बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज दी नंबर ऑफ लोकसभा सीट इंक्रीज फ्रॉम फाइव ट्वेंटी फाइव टू फाइव बताओ किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई ऑप्शन आपके सामने फटाफट जरा आंसर बताइए ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट नाइन यानी बीसवा संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छियासठ फोर्टी सेकेंड नाइनटीन 1978 और इकतीसवा उन्नीस जल्दी बताइए हाँ शाबाश नमस्ते बेटे ज्योत्सना यादव गए बच्चे आने में आंसर बी डी कुछ अलग अलग आ रहा है बी और डी के बीच में फाइट है मेजोरिटी बी ऑप्शन के साथ हमें दिखाई दे रही है बट द करेक्ट आंसर इज बी नहीं बल्कि डी है थर्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत संविधान में हमने एक संवैधानिक संशोधन किया 1900 तिहत्तर में जो इकतीसवाँ नंबर का था इसके तहत जो लोकसभा में 525 जो सीटें होती थी उन्हें हमने बढ़ाकर 545 कर दिया और 545 में आप समझते ही होंगे पाँच प्लस दो प्लस दो ये होते थे ये एंग्लो इंडियन होते थे ये आंग्ल भारतीय होते थे और अमेडमेंट के तहत यानी कि भाई संवैधानिक संशोधन के तहत वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट एक सौ तीनवा संशोधन संवैधानिक के तहत हमने एंग्लो इंडियन मेंबर्स को भी रिपील्ड कर दिया यानी कि अब भाई एंग्लो इंडियन मेंबर नहीं होते हैं आंग्लो भारतीय नहीं नहीं होते हैं तो जो लोकसभा में मेंबर जो 552 मैक्सिमम होते थे अब वो बेटे मैक्सिमम हो सकते हैं 550 फिफ्टी यानी कि अब लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 550 550 फिर रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं इसे आप अच्छे से ज़रा समझ लेना अच्छा एक और बात यहाँ पर बेटे आप समझना कि मैं ये रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम हल्के में लेते हैं और एग्जाम में हमेशा हमारे रॉन्ग होते हैं पार्लियामेंट के आर्टिकल में 79 रास राज्यसभा के आर्टिकल में 80 लोकसभा के आर्टिकल में 81 तो ये 79 80 81 79 80 81 ये तीन आर्टिकल आपको बेटे याद रखने हैं यस बेटे अरुण जी बहुत बढ़िया बोला आपने ठीक चलो और इन नोट्स को साथ-साथ करोगे तभी मजा आएगा द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति उन्नीस सौ तिरपन में किसकी अध्यक्षता में हुई थी दीपक काटोले एस एस खारविंथन काका काल लेलकर और शकील उस जमान अंसारी जल्दी बताओ फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन नाइनटीन फिफ्टी थ्री उन्नीस सौ तिरपन में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी ऑप्शन आपके सामने है सी गैस कर रहे हैं कुछ बच्चे गैस लिख दिया है गैस तो का है मतलब आर्या जी काका शिक्षा सी यूटीज में भी पच्चीस से कम कर दी गई है यस वेरी गुड आंसर लगेगा सी काका कालेलकर काका कालेलकर बिडे अध्यक्ष थे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के ध्यान दो इनका पूरा नाम था बालकृष्ण कालेलकर काका कालेलकर के नाम से ये हुए मशहूर और ये गांधीयन फॉलोवर थे ये गांधीवादी थे काका कालेलकर जी ये भी लिख लेना ये खान्दियन थे यानी गांधीवादी थे और ये भी याद रखो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया 1965 1965 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड इनकी एक किताब जीवन व्यवस्था के लिए जीवन व्यवस्था के लिए ये अवार्ड ये पुरस्कार दिया गया इन्होंने गुजराती भाषा में इसको बेटे लिखा था ठीक भारत सरकार ने इनको याद रखना 1964 में इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया ये कुछ बातें आपको काका कालेलकर जी के बारे में याद करनी होंगी मुस्कान शर्मा जी मैं एकदम बढ़िया हूँ आप बताइए बेटा आप कैसे हैं अगर आप बढ़िया हैं तो मैं भी बेटा एकदम शानदार हूं सर इज़ इट कंपल्सरी टू अपॉइंट अ पर्सन फॉर द कमीशन फॉर द सेम कम्युनिटी और कुछ कुछ आयोगों में बेटे ऐसा है याद रखिएगा कुछ कुछ आयोगों में ऐसा है ठीक है हाँ सभी आयोगों में ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ ही कुछ ही आयोग में बेटे ऐसा है जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ठीक है अगर हम लोग बेटे बात करें कि पिछड़ा वर्ग जो महिला आयोग है राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसकी अध्यक्ष बेटे हमेशा महिला ही हो हो सकती है नेशनल ऐसी कमीशन है उसका अध्यक्ष बेटे एस होगा ओबीसी का ओबीसी होगा एस का एस होगा इनके साथ बेटे ऐसा है इकोनॉमिक्स वाली क्लास बेटे नौ बजे होती है नाइन पीएम डेली मंडे टू फ्राइडे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां पे बच्चे हो गए बोर नेक्स्ट क्वेश्चन आ आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं हिला के रख देगा। अकाउंट क्या होता है विच ऑफ दाइप एज डीमेट अकाउंट इनमें से किस प्रकार के खाते को डीमेट खाता कहा जाएगा ऑप्शन आपके सामने फटाफट से आंसर बताइए आप नहीं बताएंगे फिर बेटा आपका यह मास्टर यानी के मैं हूं ना है जल्दी बताइए शाबाश आपके ऋषि सर भी आ गए बेटा डीमेट खाते में तो लगता है कि सर को भी डीमेट खाता खुलवाना है सी दे रहे हैं अकाउंट इन विच शेयर ऑफ वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेरी गुड आंसर लगेगा सी बहुत बढ़िया बात है बेटा ऐसा खाता जो शेयर बाजार शेयर मार्केट से संबंधित होता है उसे हम डीमेट अकाउंट या डीमेट खाता कहते हैं हम उसे डीमेट अकाउंट या डीमेट खाता कहते हैं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अंडर डीमेट अकाउंट डीमेट खाते के अंतर्गत एक्चुअल मनी इज रिप्लेस्ड बाय शेयर्स लिख लो एक्चुअल मनी इज रिप्लेस्ड बाय शेयर यानी वास्तविक जो पैसा होता है उसे शेयर के द्वारा हटा दिया जाता है एक्चुअल मनी इज रिप्लेस्ड बाय शेयर वास्तविक जो पैसा होता है उसे शेयरों के द्वारा हटा दिया जाता है तो डीमेट अकाउंट उस खाते को कहते हैं जिस खाते में आपके शेयर रखे जाते हैं यानी पैसा नहीं रखा जाता जैसे कि मेरे पास भी डीमेट अकाउंट है मैं भी शेयर मार्केट में निवेश करता हूं तो टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट इज़ कंपलसरी डीमेट खाते का होना अनिवार्य होता है ठीक है और इसमें शेयरों का लेन देन मतलब किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि डीमेट आपको कहीं भी मिल जाए तो इसका संबंध शेयरों से है शेयर मार्केट से शेयर बाजार से है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डी की फुल फॉर्म बताओ तो इसकी फुल फॉर्म है डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट कितने बच्चे ऐसे थे जिन्हें के इसकी इस अकाउंट की फुल फॉर्म पता थी जरा कमेंट करके अभी बताएं कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इस अकाउंट की बेटे फुल फॉर्म पता थी अगर लाइव सेशन ले रहे हैं तो वो सेशन बेटे बाइल होना चाहिए ताकि आप और हमारे बीच में बेटे जो भी दिक्कत है जो भी बेटे डाउट है आपके सारे हो जाए क्लियर हाँ चलिए ऋषि सर का स्वागत करें आपके बीच हैं आपके बहुत ही मेहनती शिक्षक ईपीएफओ में आपको बेटे पूरा लेबर लॉ इन सब में बेटे कराने वाले कल ऋषि सर आपके सात बजे लेंगे क्लास स्पेशल गाड़ी भेजी जाएगी भाई उनके लिए तभी आएंगे सर आपके नहीं बारिश का मौसम है सर मैंने तो ये अकाउंट नेम ही पहली बार सुना है कोई बात नहीं जब नौकरी वोकरी लग जाएगी ना तब मैं ही समझा दूंगा या पैसा वैसा हो कोई रिश्तेदार हो जिसे शेयर मार्केट में निवेश करना हो हमसे मतलब पूछ ले मेरा भी काफ़ी पैसा लगा हुआ है और थोड़ा बहुत नुकसान को छोड़कर मुझे आज तक कभी डी शेयर मार्केट में शेयर बाजार में ज़्यादा नुकसान ना हुआ अखिलेश पाठक जी नमस्कार अच्छा ठीक है डीमेट खाता याद रखना अच्छा टू ओपन डी अकाउंट पैन कार्ड इज मैंडेटरी लेकिन डी मेट खाते को खुलवाने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है पैन कार्ड का होना अनिवार्य है अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट तो आप समझ गए होंगे कि भाई जिस खाते को खुलवाने के लिए कुछ भी मिनिमम बैलेंस पैसा आपको अकाउंट में मेंटेन नहीं नहीं करना पड़ता लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आपको यह वाली बात समझ लेनी चाहिए कि डीमेट जीरो बैलेंस अकाउंट को शून्य आधारित जो खाता होता है इसको एक और नाम से जानते हैं लिख लो नो फ्रिल अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नो फ्रिल अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट को शून्य आधारित खाते को हम लोग नो फ्रिल खाता भी कहते हैं मिनिमम आप कितने पैसे से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं आप सौ रुपए के साथ भी बड़े निवेश कर सकते हैं रोहित बनवाल जी देखो नो का मतलब होता है नहीं और फ्रिल का मतलब होता है प्रॉब्लम यानी कि नो प्रॉब्लम अकाउंट ऐसे खाते जिन खातों को खुलने में या खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती तो जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है जैसे 2014 में दो हजार चौदह में मोदी जी लेकर आए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना तो मोदी जी क्या लेकर आए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना ठीक है उसके तहत नो फ्रिल अकाउंट खोले गए थे यानी जीरो बैलेंस अकाउंट बेटे खोले गए थे क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है क्योंकि ये एग्जाम में बेटे 2014 थाउजेंड में भी आया था 2017 में भी इसी टाइप का आया था और इस बार भी आ जाए पता नहीं व्हाट वाज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका उद्देश्य क्या था देखें कितने तैयार हैं आप आने वाले एग्जाम्स के लिए ठीक है थोड़ा तो बेटे लेवल आपको अच्छा करना ही पड़ेगा अगर दूसरों से आगे निकलना है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दी नो फ्रिल सॉरी प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था हाँ जी कम मेरा काम है आपको मार्क्स एनहांसमेंट करना डाउट क्लियर करना और कंपटीशन वाली फीलिंग हमेशा रहना सर डिजिटल को बढ़ावा देना अरुण जी बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना सभी को बैंक से जोड़ना गोपाल पांडे जी कह रहे हैं टू गे फ्री बैंक अकाउंट अरे भैया तरुण जी ऐसा क्यों हुआ वही तो पूछ रहे हैं समझो देखो ये क्वेश्चन दो टाइप से आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना तो जिन बच्चों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन लिखा है बहुत सही लिखा है वित्तीय समावेशन यानी आप ध्यान रखो वित्तीय समावेशन का मतलब होता है टू कनेक्ट मैक्सिमम पीपल विद बैंकिंग सेक्टर अधिक से अधिक लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ जोड़ना इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन समझो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के इतिहास में मेनली दो स्कीम्स है दो योजनाएं ध्यान रखना सोशल सिक्योरिटी में क्वेश्चन बनेगा आपका ठीक है 2011 में तो आई स्वाभिमान स्कीम ध्यान रखना स्वाभिमान योजना स्वाभिमान स्कीम 2011, लेकिन इसमें सिर्फ खाते खोले गए ओनली रूरल एरिया ध्यान रखना स्वाभिमान योजना में आपके बेटे खाते खोले गए सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में आए थे जीरो बैलेंस अकाउंट कांग्रेस के समय में और 2014 में बीजेपी की सरकार मोदी गवर्नमेंट लेकर आ गई प्रधानमंत्री जन धन योजना इसमें रूरल और अर्बन दोनों को टारगेट कर दिया गया यानी कि शहरी और गांव दोनों में ही बेटे खाते खोले जाएंगे जीरो बैलेंस अकाउंट नो फ्रील अकाउंट आप बताओ यहाँ से बेटे कितने सारे क्वेश्चन बेटे आपके सही हो सकते हैं समझ में आया आपको हाँ ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो वरना बाद में बेटे मेरे ऊपर आरोप लगाओगे सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया बिना बोले कभी कभार लाइक भी कर दिया करो देख भी लिया करो कि अभी हद तक आपने लाइक का बटन दबाया ही नहीं है दो बार मत दबा देना बस हाँ जी मेरा खाता भाग्य विदाता क्या बात है जी टैग लाइन व्हाट इज मॉटगेज मॉडगेज क्या है सिक्योरिटी फंदक भी कहते हैं इसे मैंने कहा फंदक पूंजी या राशि वैसे से हिंदी में भी ही लिखेंगे हिंदी वाले मोडगेज से याद करें सिक्योरिटी ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन ऋण के लिए चल संपत्ति पर सुरक्षा या सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन ऋण के लिए अचल संपत्ति पर सुरक्षा या गारंटी कंसेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति पर सुविधा सॉरी रियायत फैसिलिटी ऑन इनमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति पर सुविधा सिक्योरिटी ऑन लोन सैक्शन अगेंस्ट फिक्स डिपोजिट यानी कि सावधि जमा के लिए स्वीकृत ऋण पर सुरक्षा मोडगेज किया है अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वेरी गुड आंसर इसका लगेगा ऑप्शन नंबर भी सिक्योरिटी ऑन इनमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति आप सिक्योरिटी के तौर पर रख देते हैं और आपको ऋण या लोन मिल जाता है मैं आपको आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ मोडगेज का मतलब सिक्योरिटी या गारंटी होती है आप ध्यान मतलब रखना मोडगे मनी देट यू बोरो इन ऑर्डर टू बाय अ हाउस और अ फ्लैट यानी ऐसा पैसा जो आप किसी मकान या हाउस के लिए लेते हैं ऐसा ऋण ध्यान रखना ठीक है ना मकान या फ्लैट खरीदने के लिए उधार लिया गया पैसा या आवास ऋण को मोडगेज कहा जाता है इसे मॉडगेज कहा जाता है समझ गए तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना मोडगेज को लेकर चलो ये बता दो देखते हैं करेंसी नोट्स डिपॉजिटेड इन द करेंसी चेस्ट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें काफी सारे लोग हिलेंगे करेंसी चेस्ट में जमा किए गए करेंसी नोट रिक्त की संपत्ति है यानी उसके ऊपर अधिकार किसका है रेस्पेक्टिव बैंक यानी कि जिस बैंक का पैसा है उसका है आरबीआई का अधिकार है एस बी आई का अधिकार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का अधिकार है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना ये आपका अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन है और ये आपका इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है ठीक है करेंसी नोट्स डिपॉजिटेड इन द करेंसी चेस्ट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ बहुत बड़े स्तर पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ए और डी के मध्य जबरदस्त लड़ाई चल रही है भारत सरकार आप क्यों बोल रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ए भी आप क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है लेकिन तुम सभी की बैंड बच चुकी है आंसर लगा लो आर भी आई आरबीआई करेक्ट आंसर इज आर भी आई जिसके साथ एक भी नहीं गया है सभी की बिजती हुई है सभी का हुआ है इसमें पोपट तो इस प्रकार की बिजली मत कराया करो इस प्रकार की बेटे चलो कोई बात नहीं आज होगी अच्छा वॉट इज करेंसी चेस्ट राजी ने बोल को सही सवाल किया है अरे भैया करेंसी चेस्ट तो पहले पता होना चाहिए देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है देखो तो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ध्यान देना ये कोई पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली में सपोज़ करो दिल्ली में सपोज़ करो ये जो आपकी क्लासेस है दिल्ली में कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ये नॉर्थ दिल्ली है ये उत्तर दिल्ली है और नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारी बैंकें हैं आईसीआईसीआई भी है एस भी है एच भी है समझना बात को आपकी एक्सिस बैंक भी है पी भी है बहुत सारी यहां पर बैंकें हैं। अब इन बैंक में किसी एक बैंक को आरबीआई ऑथोरिटी प्रदान कर देगी ध्यान देना कैसा लगा मेरा मजाक मजाक तो बेटे बढ़िया ही होगा सपना ने बी दिया था वेरी गुड तो इन बैंकों में से किसी भी एक बैंक को आरबीआई डिक्लेयर कर देगी करेंसी चेस्ट के तौर पर करेंसी चेस्ट के तौर पर यानी कि वो बैंक मुख्य होगी सपोज करो कि इसमें एरिया में एस बी आई डिक्लेयर एस दी सी सी बैंक इसे सी सी बैंक घोषित कर दिया इसका मतलब होता है कि एक लिमिट से ऊपर कोई भी बैंक ध्यान देना कोई भी बैंक चाहे वो आई सी आई सी हो एच डी एफ सी हो एक्सिस बैंक हो आपकी पी एन बी हो जिस समय बैंक होती है बंद एक लिमिट से ऊपर कैश पैसा नगद पैसा अपने पास नहीं रख सकती उन बैंकों को वो पैसा सीसी में पहुंचाना होता है कहां पहुंचाना होगा सीसी वाली बैंक में पहुंचाना होता है करेंसी चेस्ट में पहुंचाना होगा यानी आईसीआईसीआई को अगर इस एरिया में लाइसेंस मिला सिर्फ सौ रुपए ही कैश रख सकते हैं तो अगर आज के दिन में हिसाब होते वक्त एक सौ पांच रुपए एस के पास आए हैं तो एस को बेटे ये एक सौ पांच रुपए में से पांच रुपए एस के पास रखने होंगे किसको आईसीआईसीआई को तो ये सभी अपने एक्स्ट्रा पैसे को जो लिमिट से ऊपर होता है उसे यहाँ पर जमा करा देते हैं करेंसी चेस्ट में बेटे जमा करा देते हैं तो ये पैसा यानी ऑन द बिहाफ़ ऑफ आर ध्यान देना ऑन दी बिहाफ ऑफ आर बी के स्थान पर इस नॉर्थ दिल्ली उत्तरी दिल्ली में इन सभी बैंकों की करेंसी चेस्ट कौन सी बैंक है एस है हाँ एस हिसाब लेगी आर सॉरी आर हिसाब लेगी एस से और एस हिसाब लेगी इन सभी बैंकों से तो क्या समझ में आया आपको बेटे करेंसी चेस्ट के बारे में समझने में कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट कर दो बाद में मुझे ना बोलना चलो मैं और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं ठीक है ये देखो डेफिनेशन करेंसी चेस्ट इज अ प्लेस वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द मनी फॉर बैंक्स एंड एटीएम यानी कि जहां पर आरबीआई अपना पैसा स्टॉक जमा के तौर पर मतलब रखती है चेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द ऑफ डिफरेंट बैंक यानी कि ये जो चेस्ट बैंक जो होती है ये अलग अलग बैंकों में होती है बट एडमिनिस्ट्रेड बाई दी आरबीआई लेकिन इसका संचालन और इसका प्रशासन आरबीआई के द्वारा किया जाता है तो भाई किसका अधिकार हो गया बेटे करेंसी चेस्ट के ऊपर आरबीआई का हो गया सर डेली टाइमिंग क्या है क्लास की ईपीएफओ को टारगेटेड क्लास अगर आप देख सात बजे नौ बजे और सवा दस बजे क्लास होती है सात बजे कल से बेटे करंट अफेयर भी होगा मंथली वाला ठीक है और वो अनाउंसमेंट होता है डेली बेसिस पर अलग अलग दीवा अकेडमी का टेलीग्राम आप कर लो ज्वाइन इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं मिलेगा टेलीग्राम पर जाओ दीपाकैडमी डालो मेरा फोटो होगा ज्वाइन कर लो सो so सिंपल हाँ, जब भी एक लिमिट से पैसा ऊपर होगा तब ध्यान रखना इसको ठीक है इसको बोलेंगे करेंसी चेस्ट करेंसी नोट चलो करेंसी नोट की बारी आई है तो जरा मैं आपको यहां थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं करेंसी नोट भारत में कहां छापे जाते हैं तो नासिक में छापे जाते हैं महाराष्ट्र में देवास में छापे जाते हैं एमपी में मैसूर कर्नाटका में छापे जाते हैं और सालबोनी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में छापे जाते हैं तो ये है आपके करेंसी प्रेस नोट्स जहां पर आपके नोट छापे जाते हैं इस बात को एक तो आप बेटे याद कर लो ठीक सिक्के मिंट सिक्के कहां छापे जाते हैं कॉइंस कहा मिंट किए जाते हैं मिंट का मतलब टक्साल जहां सिक्के छापे जाते हो ठीक है हाँ ठीक आगे देखो अगर आपको मेरे साथ रहना है मतलब जो मैं दीवा कडमी पर लाइव होता हूँ रात को नौ बजे से लेकर बारह बजे तक का स्लॉट मेरा है मैं उसमें आपको ग्यारह बजे भी फ्री कर सकता हूँ सवा भी साढ़े ग्यारह भी पौने बारह भी ये मेरे ऊपर है तो ठीक है बाकी बेटे ऋषि सर है जो आपके सात बजे आएंगे मतलब मंडे टू फ्राइडे और शनिवार संडे को भी वो सात बजे ही रहते हैं ठीक है तो हम ज़्यादा क्लास नहीं कराते हैं लेकिन जो भी कराते हैं क्वालिटेटिव बड़े क्लास कराते हैं और डेली करंट अफेयर सुबह छः बजे होती है हाँ ठीक है तो सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं तो चार मिनटें भारत में मुंबई हैदराबाद कैलकटा और नोएडा ठीक है तो ये चार मिनटें भारत में जहाँ सिक्के आपके ढाले या छापे जाते हैं इस बात को आपको याद रखना होगा ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूंगा भारत में इन सभी प्रिंटिंग प्रेस और ये बेटे मिंटिंग जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है तो लिख लेना एसपीएमसीएल की लिख लेना एस की एप एस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत से बच्चे इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन जब एग्जाम्स में बैठोगे तब बेटे इंपॉर्टेंस का एहसास होगा आज का टारगेट है हंड्रेड लाइक्स सौ लाइक उससे नीचे बेटे बात नहीं बनेगी सिर्फ पंद्रह लाइक्स की बेटे कमी है तो वेयर यू फाइंड द प्रॉब्लम जेंटलमैन और जेंटल लेडीज एस पी एम सी एल ये एक स्टैचूचेरी बॉडी है जो कि सिक्के सही से छप रहे हैं नहीं छप रहे हैं नोट सही से छप रहे हैं नहीं छप रहे हैं इसकी देखरेख करती है और पहले इसकी देखरेख आर बी आई के द्वारा की जाती थी लेकिन अब इसकी देखरेख एस पी एम सी आई एल को बेटे दे दी गई है इसका इस्टेब्लिशमेंट ये टू थाउजेंड सिक्स दो हजार छः का है और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है तो आपको बेटे बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होना है ठीक है चलिए इफ अ कंपनी विच इज नॉट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वॉन्ट्स टू कलेक्ट पब्लिक डिपोजिट इट इज गवर्नड बाय डैश एक्ट यदि कोई कंपनी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है अगर वो लोगों का पैसा अपने पास जमा करना चाहती है तो किस एक्ट के तहत जमा करेगी सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर बैंकिंग कंपनी एक्ट आपका बैंकिंग कंपनी एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार के अधीन कार्य करेगी जरा बता दो तो फटाफट से क्या आंसर होगा थैंक यू बेटे तापस कुंदू करंट अफेयर की क्लास का टाइमिंग डेली सुबह 6 बजे सिक्स ए एम पे बेटे करंट अफेयर की क्लास होती है डेली बेसिस पे होती है 6 से सात इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए डेली बेसिस पे लाई जाती है और उतना ही काफ़ी है अगर आप डेली बेसिस पर नोट्स मेंटेन करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आंसर आप लगा लें सी लगेगा कंपनी एक्ट 1956 के तहत किसी भी ऐसी कंपनी को जो कि एन नहीं है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है उसको अगर हम चाहें तो कंपनी एक्ट नाइनटीन के तहत आप ये राइट दे सकते हैं कि आप लोगों का पैसा अपने पास जमा कर सकते हैं चलिए ये देखो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं आपको पता है कि ये ओवरऑल पूरा रिवीजन होता है तो मैं एक पूरा सेट लेकर आता हूं जिसमें सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिले रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ दो दिन से वो क्लास नहीं हुई है क्योंकि मैं बेटे सुबह उठ नहीं पाया हूं ईमानदारी की बात है लेकिन कल वो क्लास डेफिनेटली होगी इंडिया एंड जापान हैव हेल्ड विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया है फरवरी में हुआ था ये ये फेबररी में हुआ था बता दो भैया तो एक्ट ईस्ट फोरम का भारत और जापान के बीच में कौन से वे नंबर की ये मीटिंग हुई थी कौन से वे नंबर की ये बैठक हुई थी बस यही केवल आपको आंसर बताना है आंसर दे रहे हैं बच्चे बी लेकिन मैंने इसमें आंसर नीचे ही लिख दिया है आंसर होगा बेटा ए यानी फिफ्थ तो यानी कि फिफ्थ मीटिंग हुई है फिफ्थ सबमिट हुई है एक्ट ईस्ट इंडिया फोरम की यानी कि भाई भारत अपने ईस्ट वाले देश यानी पूर्वी वाले मतलब देशों में भी निवेश करेगी इसको लेकर चलिए अगला करेंट अफेयर का सवाल है आपके सामने मिस सुभद्र अच्छा मित्र धर्शनी सुभद्र धर्शनी त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेस टू विच कंट्री यानी कि सुभद्र धर्शनी त्रिपाठी को किस देश का भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान ताजिकिस्तान क्या आंसर लगेगा जरा बता दो क्या आंसर लगेगा जल्दी जल्दी बता दे बेटा ठीक है आसपास वाले तो अफेयर के आप आंसर अच्छे से लेकिन का है। मतलब उसी के के आसपास ही होगा तो डेली बेसिस पे ऐसे में क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा आंसर लगेगा कजाकिस्तान सी कजाकिस्तान नामक देश की इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया भारत की ओर से यस आई एम करेक्ट तो देखो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको और ऐसी नॉलेज दूं ताकि आपको बेटे को एग्ज़ाम निकालने से रोक ना पाए ये बेटे पूरा सेंट्रल एशिया है पहली बात आपको ये याद रखनी है कि कजाकिस्तान किस क्षेत्र में आता है तो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशियाई क्षेत्र में आता है कजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है और कजाकिस्तान की कैपिटल जो बेटे थी पहले अस्ताना अस्ताना का नाम चेंज होकर हो गया है नूर सुल्तान कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए रॉन्ग नहीं होना चाहिए चाहे आप आई दो यूपीएससी दो स्टेट पीसीएस दो यूपी पीसीएस दो बिहार पीसीएस दो और ईपीएफओ वाले तो चक अगला क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट इग्लू कैफे हैज बिन बिल्ट इन विच स्टेट और यूटी भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जे एंड के और राजस्थान इग्लू इग्लू कॉफी कैफे बना कॉफी पीने के लिए इग्लू टाइप का स्ट्रक्चर इग्लू बेटे जानते हो इस प्रकार का बेटा कुछ स्ट्रक्चर होता है इस प्र... ये तो मशरूम बन गया शिट चलो मेरी ड्राइंग खराब है इग्लू कुछ ऐसा देख होता है बेटे आपने देखा होगा थेखा दू लो ये ये बेटे इग्लू है ये इग्लू है ये इग्लू कैफे कहां शुरू हुआ है कहां हुआ है ऑप्शन आपके सामने थे आपको बताना होगा चलिए मैं आंसर बता देता हूं जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के जम्मू और कश्मीर में इग्लू कैफे बेटे स्थापित हुआ इग्लू कैफे ठीक है तो पीने के लिए चाय पाने के लिए बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है बहुत ही प्यारा है आप लोग जाए घूम फिर के आए और इसका मजा लें पैसे वैसे कमाए तभी बेटे इंसान अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है इन सभी को लुत्फ उठाने के लिए विच स्टेट हैज़ बिकम द फिफ्थ स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स बताओ भारत में ऐसा वो कौन सा राज्य पांचवा राज्य बना है जहां शहरी स्थायी निकाय में सभी सुधारों को पूर्ण कर लिया गया है आंध्र प्रदेश केरला राजस्थान और गुजरात अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स यानी म्यूनसिपालिटी में जो भी सुधार होने थे वो हो गए हैं चलिए मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि इग्लू आइस हाउस होते हैं बर्फ के मकान होते हैं जो एस्किमो ट्राइब इसमें रहती हैं एस्कोमो नामक जनजाति रहती है एस्कोमो नामक, नामक जो ट्राइब है वो आपकी बेटे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है स्पेशली अलास्का कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में और एक विशेष बात ऐस के जनजातियों के शरीर का रंग ग्रीन हरा होता है इनके शरीर का रंग हरा होता है आंसर इसका लगा लो राजस्थान लगेगा राजस्थान बिकम द फिफ्थ इंडियन स्टेट विच कंप्लीटेड अर्बन लोकल रिफॉर्म्स ठीक है तो इसे पूरा कंप्लीट कर लेना अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है के शिवन इज लाइकली टू इनागरेट द श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के सेवन जो के कि भाई इसरो के चेयरमैन डायरेक्टर हैं ने किस शहर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है कोयम बटोर बेंगलुरु श्री हरिकोटा या चेन्नई क्या आंसर लगेगा बेटे इसका आंसर बताना और वेरी गुड हम लोगों ने हंड्रेड लाइक्स का आज का बेटा टारगेट अचीव कर लिया है आप लोगों की वजह से थैंक यू सो मच गाइज और डेली बेसिस पे आ जाए करो इको अगर अच्छे से करनी है आपको अपने एग्जाम के लिए तो बेटे 9 पीएम 9 बजे डिटेल्ड टॉपिक वाइज चल रहा है और ये बेटे प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है आपकी ई प्रैक्टिस के नाम से या प्रैक्टिस बेच के नाम से तो कुछ ऐसा ही नाम होगा उसे आप बेटे फॉलो करें अच्छे से सिमी ने क्वेश्चन छोड़ दिया बेटा कोई बात नहीं कोयम बटोर लगा दो तमिलनाडु में यहां पर बेटे श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन की जो कि रिसर्च के लिए स्पेस इस में इसकी बेटे स्थापना मतलब की है इसरो के द्वारा बेंगलुरु नहीं कोयम्बटोर है कोयम्बटूर तमिलनाडु और कोयम्बटोर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी कोयम्बटोर अगर हम देखें तो ये किसके लिए मशहूर है ये बेटे मशहूर रोज का टाइम है बेटा अभी रोशन जी लास्ट में हम सारी टाइमिंग बताएंगे कल के बेटे क्लासेस की नहीं होना और वैसे आप दीवा अकेडमी को बेटे सब्सक्राइब कर लें और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके उस पर लगती है कम्युनिटी और उस बेटे कम्युनिटी पर डेली बेसिस पे आपके लिए जाता है पूरा टाइम टेबल दीवा अकेडमी के टेलीग्राम पर भी आता है है छोटी सी अकेडमी लेकिन बड़ी ही ऑर्गेनाइज है ठीक है आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा श्री हरिकोटा तो आपको पता ही है इस पे सेंटर के लिए मशहूर है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि पुलिकट लेक यानी के पुलिकट झील में है और झील है ऑन दी बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है क्या पुलिकट लेक पुलिकट झील ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है देखते हैं कितने बच्चों की बैंड बजेगी आपकी अकाउंटिंग वाली मैम ने भेजा है तो सिर्फ आंसर याद किया है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट निम्नलिखित में से किस खाते को वास्तविक खाते के रूप में कहा जाता है रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट किराया व्यय खाता रेंट इनकम अकाउंट किराया आय खाता इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट बीमा व्यय खाता कैश अकाउंट नगद खाता अगर इस ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर लो तब भी आपका बेटे बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे हमारी बेटे ज़िम्मेदारी है आपको प्रैक्टिस कराने की अकेडमी छोटी हो या बड़ी बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसमें तो बेटे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको भरपूर क्वालिटी मिले Yes, लगेगा कैश अकाउंट ऐसे खाते को हम नगद खाता कहते हैं तो यानी कि रियल खाता का मतलब नगद खाता अगला क्वेश्चन आपके सामने कैपिटल इंक्रीजेस इफ डैश इंक्रीजेस यानी कि रिक्त बढ़ने पर पूंजी बढ़ती है बताओ भाई एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम व्यय आय से अधिक है ड्रॉइंग्स यानी कि भाई अगर पैसा ड्रॉइंग खरीदे चित्र इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेवेन्यू राजस्व तो कैपिटल इंक्रीजेस इफ डैश इंक्रीजेस यानी कि भाई कैपिटल बढ़ता है अगर क्या बढ़ जाए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लगेगा डी रेवेन्यू यानी कि भाई व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस कैपिटल इंक्रीजेस यानी कि भाई राजस्व बढ़ने पर पूंजी बढ़ती है यह तो इकोनॉमी का भी सवाल है इसे तो मैं ही बेटे समझा देता चलो ये जरा बता दो बेटा क्या इसका बेटे सही फॉर्मूला व्हाट इज द बेसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने कैपिटल लाइबिलिटी इजकल्स टू एसेट एसेट प्लस लाइबिलिटी इजिकल टू कैपिटल कैपिटल प्लस एसेट लाइबिलिटी लाइबिलिटी माइनस कैपिटल एसेट्स क्या लगेगा अकाउंटिंग बताओ जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें से क्या सही बैठेगी कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें से बिल्कुल सही बैठेगी एक को लॉक करते हैं बिल्कुल सही बात है मैं भी ए के साथ ही जाऊंगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी यानी पूंजी और देनदारी को अगर बेटे मिला दिया जाए तो ये एसेट्स यानी कि ये संपत्ति बन जाती है ठीक है चलिए तो यानी कि C प्लस एल इजिकल्स टू ए सी एल ए सी एल ए अच्छा मैं एक और बता दूं जो बच्चे पहली पहली बार मुझे यहां देख रहे हैं जनरल अकाउंटिंग मेरा पोर्शन नहीं है ये पोर्शन बेटे मैम का है हमारी अकाउंटिंग वाले मैं तो सिर्फ जो मैम के दिए गए क्वेश्चन है उनको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ मैम आपके डेली प्रैक्टिस के लिए क्योंकि मैडम यह नहीं आ सकती

तो बताओ प्योर कंपटीशन की यानी कि शुद्ध पूर्णत है प्रतिस्पर्धा की इसमें कौन सी कंडीशन कौन सी स्थिति नहीं है धर्मेंद्र यादव जी करंट अफेयर कल शाम को सात बजे लगेगा ईपीएफओ के हिसाब से बाकी कल सुबह डेली बेसिस पे आपको छः बजे तो खैर करंट आता ही है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बड़ी संख्या में खरीददार और विक्रेता सेलर ये तो बिटे कॉम्पिटिशन का फीचर है यानी ये आंसर नहीं होगा होमोजिनस प्रोडक्ट यानी कि भाई सजातीय उत्पाद अलग अलग बिटे ठीक तो ये भी है फ्रीडम ऑफ एंट्री प्रवेश की स्वतंत्रता कोई भी आगे व्यापार करे ये भी है एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये नहीं है लिख लो आंसर लगेगा डी एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट परिवहन लागत का अभाव ये बेटे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कंडीशन नहीं है चलिए ओहो तो ये थे आज के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन सवाल हमारी ओर से जो कि पूरा मैंने ये सेट नंबर नौ आपके लिए लेकर आया और ये सेट आपको मिल जा रहे भैया कम से कम हंड्रेड तो बेटे लाइव वॉच पहुंचाई दो जब यहाँ तक बेटे हम लोगों ने बेटे सफर पूरा कर लिया है ठीक है हाँ तो ये अगर हम लोग बेटे सिंपली इसमें मतलब बात करें कि सेट नंबर नौ इसका पीडीएफ आपको कल सुबह तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर अभी आपको एक घंटे के अंदर अंदर चाहिए तो दीवा अकेडमी का टेलीग्राम बेटे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कल का शेड्यूल आप लोग लिख लो सुबह छह बजे बेटे करंट अफेयर की मिलेगी थ्योरी वाली बेटे होती है ये क्लास प्लस अगर बेटे हम लोग इसमें मतलब बात करें तो सेवन पी एम ओ सॉरी 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 वन पी एम एक बजे जो बच्चे यूपी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यूपी जी के स्पेशल मैं ले रहा हूँ खुद और सेवन पी एम सात बजे बेटे आपको मतलब मिलेगी ई पी एफ ओ को ध्यान में रखकर या किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पूरी जनवरी की करंट अफेयर के एम सी क्यू ठीक है करंट अफेयर के एम सी क्यू रिविजन के तौर पर तो इस क्लास में आना ना ना भूलें और अगर हम लोग बात करें 9 बजे आपको बेटे मिलेगी वही इको की क्लास और 10:15 फिफ्टीन यानी कि सवा दस बजे यही जो मैं ईपीएफओ का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं इसकी क्लास बड़े मात्रा में आपको दीबा अकेडमी में अवेलेबल हो जाएगी कितने सेट और आने वाले हैं आप मतलब यह ये मानिए सेट नंबर नौ है और लगभग आपके पास ऐसे इकतालीस सेट और, और आएंगे मैंने लगभग पचास सेट आपके लिए बेटे तैयार की है 25 25 30 30 क्वेश्चन के आधार पर एक और बात मैं आपके समझा दूं आने वाले संडे को ई वाले एग्जाम और बच्चों को ध्यान में रखकर बहुत बड़ी क्लास लगने जा रही है ठीक है यूट्यूब के इतिहास में या बेटे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी क्लास लगने बेटे रही है इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्लास कम मिलेगी कंप्यूटर के बेटे बारे में आपके साइंस वाले सर कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास आपके लिए अलग से लेंगे एक ही क्लास में आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन बेटे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है और बताओ बेटा हर देखो मैंने पहले कहा मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपका अगर मैं मतलब बात करूं तो ईपीएफओ के एग्जाम के हिसाब से सब कुछ आपको यहीं मिलेगा कोई किताब कोई कुछ भी प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है बस जो हम करा रहे हैं उसी को आप बेटे फॉलो कर लो थैंक यू सो मच गाइस और काफी अच्छा लगा मुझे ये सेशन लेने में पूरे मन से आया करो सारे दिन बेटे रिविजन किया करो फिर प्रैक्टिस करने के लिए शाम को आया करो अपना लेवल आप करो चेक क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम की मेरिट और उसी के लेवल के हिसाब से हैं और बाकी जो बच्चे अभी तक हमारे साथ अटैच नहीं है उनको भी जरा ये आग की तरह फैला दो कि भैया अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए तो दीवा अकेडमी पर आइए सर टेलीग्राम चैनल क्या है एक सेकेंड रुको मैं टेलीग्राम चैनल का बेटा आपको लिंक ही शेयर कर देता हूँ आप बिल्कुल इसी में रहिए मैं अभी एकदम टेलीग्राम ये बेटा लाइव चैट में आ जाएगा लिंक आपके सामने बिल्कुल आने वाला और ये आया आपके सामने लिंक मैंने पहले कहा था बारह बजे तक का टाइम दे आप मुझे सर ई के अकॉर्डिंग सिलेबस एंड टेस्ट सीरीज कब तक मिलेगी यही बेटे टेस्ट सीरीज यही सब कुछ है लिंक अभी आपके सामने आ जाएगा ठीक है इतने रात को स्टाफ तो बेटे होता नहीं उतनी बड़ी अकेडमी तो है नहीं लेकिन चलिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बड़ी चाहे कितनी भी ये बेटे आपके सामने लिंक, लिंक आ गया है टेलीग्राम का इसे आप बड़े अवश्य मतलब ज्वाइन कर लें जिन बच्चों ने नहीं किया ये पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मतलब वहीं मिल जाएगी प्रैक्टिस करें किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत रही हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें मतलब बताएं और कुछ और भी अगर आपकी नीड हो जो हम मतलब पूरी कर सकते हैं उसे आपके लिए अवश्य किया जाएगा अभी हम लोग बोलते हैं गुड नाइट आप भी सोइए पूरी मतलब मेहनत करने के बाद जो नींद आती है बहुत अच्छी आती है थैंक यू सो सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर गाइज